दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। आज की हर एक बड़ी खबर, मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। लगातार बने रहिए साथ में। और दूसरी तरफ अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा जय हिंद। पहली बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपने हाथ से सत्ता जाते देख प्रधानमंत्री मोदी क्या घबराए हैं, इसीलिए यहाँ पे बड़े उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर चुनाव हार गए फिर भी सत्ता में कैसे बने रहे, क्या इसकी तैयारी की जा रही है। मोदी ने भी चुनाव में यहाँ पे आर्मी चीफ मनोज पांडे को दिया है सेवा विस्तार, और अब संसद भवन को सेना के हवाले किया गया। आपको बताते चले, आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी आर्मी चीफ को सेवा विस्तार दिया गया है, जिस पर यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार ने आर्मी चीफ को सेवा विस्तार आखिर क्यों दिया? संसद भवन की सुरक्षा बदलकर सेना को क्यों तैनात किया गया? क्या 4 जून के बाद मोदी को जनता के विरोध की आशंका है, और यहाँ पे सत्ता आसानी से मोदी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लगातार अपने पसंदीदा व्यक्ति को सेवा विस्तार दिया जा रहा है? क्या मोदी जनता के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? ये भी यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं इस पूरी खबर पे। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ताजा बड़ी खबर एक और आ रही है मंडी से, मंडी से आ रही है बड़ी खबर, मतदान से ठीक पहले कंगना रनौत को झटका लगा है। जी हाँ, अब बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता तो पहले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब करणी सेना ने कंगना रनौत का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है, और राजपूतों से उनके खिलाफ वोट करने की अपील भी की गई है। देश भर से राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार किया है, और इस पूरे मामले पे आप मंडी हिमाचल से कंगना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित तौर पे कई स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से नाखुश हैं, और स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ काम भी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बताते चलें, हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और कंगना का जीतना असंभव है उनके सामने। और मतदान से ठीक पहले यहां पे कंगना के साथ खेला हो गया है, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रचार करने में लगे हैं। विक्रमादित्य सिंह को भारी फायदा पहुंच रहा है, उनके लिए यहां पे जीत एक तरीके से आसान होती जा रही है। कंगना के खिलाफ उनके अपने ही कार्यकर्ता बीजेपी नेता मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पे जबरदस्त तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान हमलावर नजर आए। जी हाँ, जिस प्रकार से बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री तो दावा भी कर चुके कि अगर बीजेपी कुछ सीटें भी पंजाब में जीतती है तो वह चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, पंजाब में आपकी सरकार है। और अब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान आया है, गृह मंत्री पर पलटवार किया। सीएम भगवंत मान बोले, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आत्मा ये सोचकर तड़पती होगी कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन गया है। यहाँ पे सीधे तौर पे अमित शाह को निशाने पे लिया है सीएम भगवंत मान ने, और ये बड़ा बयान दिया है एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बताते चले, प्रधानमंत्री बीते दिन पंजाब दौरे पे गए थे, कई जगह किसानों ने उनका पुतला फूका, विरोध जबरदस्त तरीके से है बीजेपी का, और इस बार माना जा रहा है अकाली दल भी साथ नहीं है, जिसके चलते बीजेपी को एक भी सीट हाथ नहीं लगेगी पंजाब में। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने में लगी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। बख्तियारपुर बिहार में राहुल गांधी गर्जे बोले, जानते हैं नरेंद्र मोदी ने परमात्मा वाली कहानी क्यों निकाली है? इसका जवाब भी राहुल गांधी ने खुद ही दिया, जब चुनाव के बाद ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं नहीं जानता, ये मुझसे परमात्मा ने कहा था। ये राहुल गांधी हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री पर। बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि जब हम गरीबों को पैसा देंगे तो मीडिया वाले कहेंगे, देखो कांग्रेस गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कहूंगा, अभी तो सालाना 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा कहा तो 2 लाख रुपए कर देंगे। यहाँ पे बिहार में भोजपुर में भी एक रैली को संबोधित किया राहुल गांधी ने, जिस दौरान ये बड़ी बात कही, गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा राहुल गांधी ने। इसी के साथ चंडीगढ़ में गरजे हैं यहाँ पे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम।
चंडीगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि देश की जनता अब मौजूदा बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है, इसलिए वह परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जरूरी भी है। जब मोदी 2014 में आए तब कहा था मुझे अपना सेवक समझिए, जब 2019 में उन्होंने कहा कि मुझे चौकीदार समझिए, और अब साल 2024 में कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी उसका पूरा देश गवाह है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए देश एकजुट है, और इस बार इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चाहे ताजा बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी ट्वीट आया है सामने निकल के परकला प्रभाकर का, मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं प्रभाकर परकला, जिन्होंने बड़ा दावा किया है बीजेपी को लेकर। परकला प्रभाकर बोले हैं कि बीजेपी इस बार 200 लोकसभा सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि उदारता पूर्वक मेरा अनुमान है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा कहें तो 220 सीटें ला सकती है, लेकिन पूरे गठबंधन के साथ वे अधिकतम 260 सीटें ही जीत सकते हैं। यानी एनडीए को इस बार बहुमत नहीं मिलेगा, 260 सीटों तक तो ये पहुंच सकते हैं। परकला प्रभाकर ने कहा कि अब प्रश्न उठता है कि वह कितना खरीदेंगे, यानी कितने सांसद खरीद लेंगे ज्यादा से ज्यादा। जो गठबंधन में है उनके बीच वैचारिक एकता एनडीए में नहीं है, जब वे देखेंगे कि बीजेपी मजबूत नहीं रही तो उनमें से कई उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जून 2024 में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जून 2024 में गैर एनडीए और गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वित्त मंत्री के पति का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है, तो इस पे कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा तंज कसा है बीजेपी पे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंडिया अलायंस को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भरोसा है, दो दिन में ही चुन लिया जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से नया प्रधानमंत्री। जी हां, इंडिया अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, पूरी तरीके से आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी, और ये बयान आया है जयराम रमेश का। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आया बड़ा बयान। जी हां, इंडिया गठबंधन की चुनावी सभाओं में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसे देख के अखिलेश यादव काफी गदगद हैं। और अखिलेश यादव ने भी पूरा भरोसा जताया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव बोले 4 जून की जो तारीख है वो मित्र मंडली को बदल देगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अखिलेश यादव का बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस समय गोदी मीडिया सभी विपक्षी नेताओं के निशाने पर है, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक गोदी मीडिया को जम के घेर रहा है, क्योंकि आए दिन प्रधानमंत्री 2 से 4 गोदी मीडिया एंकर्स के साथ इंटरव्यू जो कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री के साथ गोदी मीडिया के ये चमचे पत्रकार भी घेरते जा रहे हैं। अखिलेश यादव बोले 4 जून को ये मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये दिन भर की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।